ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, तो पहला है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किस चीज को डिफरेंशिएट करना है? tan inverse 5x upon 1 minus 6x square, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है साहब। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए एक मिनट के लिए चलिए लेट कर लीजिए। चलिए ये y है ना, और हमने फिर क्या किया, अब हमें इसको हमने y मान लिया, तो हमें y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, dy upon dx निकालना है। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है साहब। तो कैसे करेंगे इसको, हमने एक काम किया, tan x को लिख दिया 3x plus 2x upon 1 minus, इसको लिख दिया 3x into 2x, ठीक है। ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, ये अपने एक फॉर्मूले की फॉर्म में बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया बोलिए, y is equal to tan inverse 3x plus tan inverse 2x। फॉर्मूला था ना हमारे पास, क्या फॉर्मूला था बोलो, tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, ठीक है ना। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, कैसे करेंगे बोलो, dy upon dx equal to tan inverse x का कितना हुआ, 1 upon 1 plus x square, 1 upon 1 plus x square, लेकिन इसका अलग से करेंगे 3। अब इसका करेंगे तो 1 upon 1 plus x square, और इसका अलग से करेंगे तो 2। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, that is 3 upon 1 plus 9x square और 2 upon 1 plus 4x square। आगे कि नहीं आगे बच्चों, तो this is the answer। Next question, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2 रेस पावर x प्लस 1, 3 रेस पावर x, और नीचे 1 प्लस 36 रेस पावर x। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है साहब। तो एक मिनट के लिए आप लेट करिए, लेट कर लीजिए, चलिए ये y है। तो आपको इसको यानी कि y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो गया 2 इंटू 2 रेस पावर x, है ना। इस पूरे स्टेप को स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं, और ये 3 रेस पावर x तो पहले से ही हमारे पास है, तो 1 प्लस इसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं x। तो दिस इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2 रेस पावर x, 3 रेस पावर x मतलब 6 रेस पावर x लिख सकते हैं इसे, और 1 प्लस इसे 6 रेस पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक ही बात है, एक पावर के ऊपर दूसरी पावर जब होती है तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी 2x आएगा, यहाँ भी 2x आएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। छोटी क्लास में पढ़ते थे ना, लॉज ऑफ इंडेक्सेस, थर्ड में, सेवन्थ एट्थ क्लास में पढ़ते होंगे, तो ये आ गया। अब इसमें एक काम करिए, आप पुट कर दीजिए 6 रेस पावर x इज इक्वल टू कितना, tan थीटा, कितना पुट कर दें, tan थीटा पुट कर दें, तो क्या आंसर आएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही आंसर आ जाएगा। अब इधर आ जाइए, देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना हुआ, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, देन y इज इक्वल टू 2 थीटा, 2 थीटा निकाला था कहां से, जो हमने पुट किया था tan inverse 6 रेस पावर x, यही तो होगा। अरे यही तो होगा, अब क्या लिखेंगे बोलिए, तो हमारे पास ये पूरा आंसर आ गया। अब इसको मैं तो करिए जरा डिफरेंशिएट, dy upon dx बोलो कितना हुआ, 2 को तो बाहर निकाल दो, इसका करेंगे ये tan inverse x कितना हुआ, 1 upon 1 plus x स्क्वायर, लेकिन इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, 6 रेस पावर x का कितना होगा, 6 रेस पावर x एंड log 6, तो द फाइनल आंसर इज कितना बोला बच्चों, 2 into 6 रेस पावर x log 6
अपॉन वन प्लस इसे 36 रेज पावर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको वापस तोड़ दो, इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 2 रेज पावर एक्स, 3 रेज पावर एक्स। तो फाइनल आंसर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन आप चाहें तो और आगे लिख सकते हैं, 2 रेज पावर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, है ना, और फिर 3 रेज पावर एक्स अलग से बचेगा, फिर ये log 6 बचेगा, कोई फायदा नहीं होगा, बट अलग एक्सप्रेशन है, आप चाहे जैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, इफ x अंडर 1 प्लस y प्लस y अंडर 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, x और y इक्वल नहीं है तो आपको प्रूव करना है डेरिवेटिव की वैल्यू ये आएगी, ठीक है सर। तो एक काम करिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, कैसे करते हैं बताइए, y अंडर रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू x माइनस का x अंडर रूट 1 प्लस y, यही हो जाएगा। स्क्वायरिंग करिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई, ये वाई था, है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो यहाँ रखो, इसको उठा के इधर भेज देंगे, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और ये वाई, आ गया कि नहीं आ गया। तो इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स वाई को कॉमन लेंगे तो बोलो कितना बचेगा, एक्स वाई को कॉमन लेंगे यहाँ पे कितना बचेगा वाई, यहाँ पे कितना बचेगा एक्स, यही बचेगा, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसमें अगर यहां माइनस लगा लो तो ये भी फिर एक्स माइनस वाई हो जाएगा, है ना। अब देखो x इज इक्वल टू y तो है नहीं, अगर x इक्वल टू y होता तो दोनों जीरो हो जाते, है ना, तो ये जीरो नहीं है, तो इसका दोनों सेम वैल्यू होगी, तो आप इसे इसको कट कर सकते हो, है ना, कट कर सकते हैं। अब कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, इसको भी उठा के इधर लेके आओ, माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई इज इक्वल टू एक्स, अब इसमें से माइनस का वाई कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स बचेगा, यहाँ पर x आएगा, तो जब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस x, ठीक है, सिंप्लीफाई करके। अब आप इसको जरा डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, dy अपॉन dx कितना आएगा माइनस, तो बाहर रखने दो। अब डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो दिस इज माइनस, अंदर कितना बचा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज डीवाई अपॉन डी एक्स, दैट इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज डीवाई अपॉन dx। सबको समझ में आता जा रहा है कि नहीं आता है, ये कोई जरूरी नहीं होता कि हम एग्जाम के टाइम पे केवल बहुत ज्यादा टफ और टफ कहीं ऐसे पूछ लिया तो और ज्यादा टफ पूछ लिया तो और टफ पूछ लिया तो कैसे करेंगे, तो वो सारी चीजें बाद में करनी होती हैं, पहले हमें अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको ढंग से करना होता है, क्लास वर्क की कॉपी, एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल्स, और जो मैंने आपको मटेरियल दिया हुआ है सारा की सारा, वो इतना सारा करेंगे उसके बाद फिर आप उन क्वेश्चन के बारे में, समझ में आया ना, सबसे पहले आप इन सारी चीजों को कंप्लीट करिए, आपके मार्क्स इन्हीं चीजों से स्कोर होते हैं, समझ में आया ना, बहुत ज्यादा यहां से वहां से नेट्स। अभी एक बच्चे ने 10th क्लास का बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी कौन सी 12th क्लास वाला का लेवल का क्वेश्चन, अब उसे तो कुछ पता ही नहीं है, उसने नेट पर डाल दिया प्रोबेबिलिटी, अब क्वेश्चन निकल के आ गए बहुत सारे, तो आपको नहीं पता कि नेट से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो इसलिए बस आपके वो कॉपी पर एनसीईआरटी पर और जो आपका मटेरियल हमने दिया हुआ है जो पेपर आपके लिए हुए हैं उन्हीं पर कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन देखिए, वाई रेस पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेस पावर वाई माइनस एक्स, तो प्रूव करना डिवाइड अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, y रेस पावर x इज इक्वल टू e रेस पावर y माइनस x, दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा log
वाई रेस पावर एक्स, यहां पर आ जाएगा लॉग ई रेस पावर वाई माइनस एक्स। इसे क्या लिखेंगे, एक्स लॉग वाई, और ये क्या होगा वाई माइनस एक्स लॉग ई, मतलब लॉग ई तो वन होता है इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको उठा के भेज दो, एक्स प्लस एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स को कॉमन लो, वन प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू वाई, देन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन वन प्लस लॉग वाई, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करिए वाई के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई करना जरा, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू कितना डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे वन अपॉन वाई अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लॉग वाई स्क्वायर, ठीक है सर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अजय माइनस वन आएगा, अजय प्लस वन है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा आ जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू लॉग वाई अपॉन वन प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हुआ, ये फिर ऊपर चला जाएगा लॉग वाई का होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड के पेपर में आया है, ठीक है बच्चों, सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का प्रॉमिस। ये क्वेश्चन करना है पैरामेट्रिक से, x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, तो आपको प्रूव करना है डिवाइड x इक्वल टू माइनस y log x अपॉन x log y, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, आपको दिया हुआ है x इक्वल टू e रेस पावर cos 2t। अब देखिए log के फॉर्म में आंसर आ रहा है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, इसी चीज को अगर आप चाहें तो log के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log x इज इक्वल टू log ये, तो ये पहले आ जाएगा cos 2t, और log की वैल्यू तो 1 होती है, ऐसे ही y इज इक्वल टू e रेस पावर sin 2t लिखा है, दैट इज आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू कितना sin 2t, समझ आ गया कि नहीं आ गया, sin 2t हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब आप जरा डिवाइड अपॉन dt निकालो, डिवाइड अपॉन dt कितना करेंगे e रेस पावर sin 2t, डायरेक्ट कर दूं क्या, डायरेक्ट कर दूं, स्टेप कम हो जाएंगे आपके, है ना, तो डायरेक्ट कर देना, dy अपॉन dx निकालने के लिए dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूं डायरेक्टली, है ना, dy अपॉन dt कितना आंसर आएगा, dy अपॉन dt इसको t के रेस्पेक्ट में करिए, तो इसका तो e रेस पावर sin 2t आएगा, sin 2t का अलग से करेंगे तो cos 2t आएगा, 2t का करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है सर। अब dx अपॉन dt करिए x ये वाला, तो ये e रेस पावर cos 2t हो गया, cos 2t का अलग से करेंगे तो माइनस का sin 2t हो गया, 2t का अलग से करेंगे तो 2 आ गया, है ना, इससे ही दोनों कैंसिल हो गया। अब इसको इसको इस पूरे को क्या लिख सकते हैं बताइए, e रेस sin 2t को इसको y लिख सकते हैं, और cos 2t को क्या लिख सकते हैं, ये रहा log x लिख सकते हैं अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं e रेस पावर cos 2t, ये रहा x लिख सकते हैं, और sin 2t को क्या लिख सकते हैं, ये रहा माइनस का log y लिख सकते हैं, तो सीधा सीधा प्रूफ हो गया dy upon dx is equal to minus y log x upon x log y। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, पक्का समझ में आ रहा है ना, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करते जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। y is equal to tan inverse x, आपको d square y upon dx square की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो केवल y के टर्म्स में आना चाहिए, ओनली y लिखा होना चाहिए और कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, आपको दिया है y is equal to tan inverse x, तो हम चाहें तो इसे x is equal to tan y लिख सकते हैं। अब differentiating with respect to y कर दो, चलो तो dx upon dy कितना हुआ tan inverse x, tan y, tan y का कितना हुआ sec square y, आ गया कि नहीं आ गया, तो ये dx upon dy की वैल्यू है, तो dy upon dx कितना हुआ 1 upon sec square y, यानी कि cos
कॉस स्क्वायर वाई ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब ये तो डीवाई अपॉन डी एक्स है, हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स करना है, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स पर निकालने के लिए डी अपॉन डी एक्स क्या करना पड़ेगा, डीवाई बाई डी एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, कॉस स्क्वायर वाई, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बोलो कितना आंसर आएगा, 2 cos y, और cos y का अलग से करेंगे तो माइनस का sin y, अब क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और y है तो हमें dy / dx वाला लिखना पड़ेगा, तो माइनस 2 sin y cos y, अब dy / dx की वैल्यू कर दो, व्हाट इज dy / dx, दिस इज cos square y, कितना हो गया बोलो बच्चों, cos square y, तो दिस इंप्लाइज दैट d square y upon dx square is equal to minus ka 2 sin y and cos cube y, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एंड्रेस क्या कर रही है, सबको आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है। If y is equal to 7x minus x cube and x increases at the rate of 4 unit per second, how fast the slope of the curve changing when x is equal to 2? ये कह रहा है स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है, तो पहले तो स्लोप पता होना चाहिए फिर उसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहला काम होता है स्लोप निकालना, तो स्लोप निकालेंगे, स्लोप को हम m कहते हैं और स्लोप का फॉर्मूला होता है dy / dx। पहले आपके सिलेबस में चैप्टर था टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो उसमें बहुत सारा स्लोप निकालना होता था dy / dx करके, अब वो डिलीट हो गया, तो आप याद रखिए dy / dx करने से स्लोप निकलेगा, तो d अपॉन डी एक्स, और y कितना है बोलो, 7x माइनस x क्यूब दैट इज 7 माइनस 3x स्क्वायर, ये हमारा m है, ठीक है। उसने m नहीं पूछा, उसने पूछा है व्हाट इज द चेंज इन द स्लोप, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप, यानी dm अपॉन dx पूछा है विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं आया समझ में, तो dm अपॉन dt, हाउ फास्ट का मतलब टाइम, टाइम के साथ dm / dt निकालिए, dm / dt निकालने कितना निकलेगा, तो t के रेस्पेक्ट में करो इसको, ये 0 हो गया, माइनस का 3, ये 2x और dx / dt, तो दिस इज माइनस का 6x और dx / dt, तो माइनस का 6x और dx / dt की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, इसमें लिख दीजिए, क्वेश्चन में दे रखा था x increases at the rate of 4 units per second, यानी कि dx upon dt जो है आपका वो 4 unit per second है, आगे यहाँ पे लिख दो बोले, ये लो dx upon dt 4 units per second दिया हुआ था, और x की value भी दे रखी थी ना, when x is equal to 2, तो x के place पर 2 लिख दो, तो minus का 6 into 2 into 4, तो dm upon dt यानी चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितने हो गए बोलो, 48 माइनस का 48 dm upon dt, आ गया कि नहीं आ गया बताइए, तो दिस इज द आंसर, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन में लिखा है बेटा फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x फॉर व्हिच एब्सिस यानी कि x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट चेंजेस एट द सेम रेट, यानी कि dx upon dt की वैल्यू और dy upon dt की वैल्यू सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, कर्व की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, डिफरेंशिएट करिए t के रेस्पेक्ट में, तभी तो dy upon dt निकलेगा, तो 2y dy upon dt इज इक्वल टू 8 dx upon dy upon dt, dx upon dt ये रहेगा इक्वल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो y इक्वल टू कितना आएगा 4, अब इसको उठा के इसमें डाल दीजिए सेकंड इक्वेशन में, तो पुट इन इक्वेशन सेकंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 इज इक्वल टू 8x, देन x इज इक्वल टू 2, दिस इज x और दिस इज y, तो पॉइंट जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा 2, 4, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अच्छा क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट वाले। इसमें लिखा है बेटा अ मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अगेन फ्रॉम अ लैंप पोस्ट 6 मीटर हाई,
फाइंड द रेट एट विच इट्स शैडो इंक्रीजेस, तो उसकी शैडो किस रेट से इंक्रीज हो रही है। कॉमन सेंस की बात है, आपने कोई देखा हुआ अपने रोड पर जब भी चलते हैं तो ऊपर लाइट है, अगर हम चल रहे हैं तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं लैंप उससे दूर होते जाते हैं, हमारी शैडो की लेंथ बड़ी होती जाती है, पास आ जाते हैं शैडो की लेंथ छोटी हो जाती है ना। तो वैसे ही है, मान लीजिए ये आपका लैंप पोस्ट है, इसकी हाइट कितनी थी बोले लैंप पोस्ट की 6 मीटर, इसके सामने ये एक इंसान खड़ा हुआ है और इसकी हाइट है कितनी बोलो 2 मीटर है ना। अब यहाँ पर लाइट लगी हुई है एयरफोन लाइट, जब ऐसे करके लाइट गिरेगी तो पक्का ऐसे रहते इसकी शैडो बनेगी ना। तो ये हमारी शैडो है, मान लीजिए ये मैन है, ये एम और ये एन, दिस इज एम एन मैन, मैन ऐसे हो गया है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पी मान लो, एन पी इज द शैडो, इसको वाई मान लो है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो शैडो की लेंथ, इसको हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। इसको आप एक्स मान लो एक मिनट के लिए, अंदर अंदर ठीक है ना, ये 90 डिग्री एंगल, ये राइट एंगल ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, ये छोटा मैं लिख गया डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, इसको ओ मान लो है ना। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल एल ओ पी, एल ओ पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन पी, एम एन पी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं बताइए। मैं डायरेक्ट लिख गया, आप अपने आप लिखना, ये एंगल 90 डिग्री के और ये दोनों कॉमन एंगल आ गए दोनों ट्रायंगल्स में है ना। 10th क्लास में जैसे लिखते थे AA सिमिलर टू ट्रायंगल सिमिलर हो गया, पक्का साइड करें 6/2 इज इक्वल टू x plus y अपॉन y, ऐसे लिखेंगे x plus y अपॉन y, इसे कितना कट जाएगा 3 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y इज इक्वल टू x plus y, 2y is equal to x, हमने x और y के बीच में एक रिलेशन बना दिया ठीक है। नहीं ठीक है, अब क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो रेट ऑफ चेंज निकलेगा, तो 2dy upon dt is equal to dx upon dt। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इंसान दूर भाग रहा था, दूर जा रहा था, उसके जाने का जो रेट है दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर है ना, 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे लिख देंगे 2 और ये हो गया dy upon dt और ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, जो भी यूनिट दे रखी थी वो लिख दो, इसे कितना कट जाएगा 3 टाइम्स। तो हमारा जो dy upon dt है दैट इज 3 किलोमीटर, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और y का मतलब लेंथ ऑफ शैडो, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारी शैडो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चेंज होगी। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, पक्का बोलते जाइए और ध्यान से पढ़ते जाइए ओके। क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन fx = 2x3 + 9x2 + 12x + 20 इज इंक्रीजिंग, सेकंड पार्ट डिक्रीजिंग। आपको ये पता लगाना है कि ये जो फंक्शन है कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, कौन से इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जरा, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, f(x) कितना निकलेगा बोलो, इसका डिफरेंशिएशन करिए, 6x² + का 18x + 12, आप इसमें से 6 को कॉमन ले लेंगे, x² + 3x + 2 ठीक है। अब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, कितना आएगा x + 1 और x प्लस 2, यही तो आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम f(x) = 0 लिखेंगे है ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, f(x) = 0 लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे, 6 और x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से जो x की वैल्यूज निकलेंगी एक माइनस का 1 और एक माइनस का 2 निकलेंगे, आ गया कि नहीं आ गया सबको समझ में ठीक है ना। और अगर मैं इनको एक नंबर लाइन पे डाल दूं तो दिस इज माइनस का इनफाइनाइट, दिस इज प्लस का इनफाइनाइट, मान लीजिए यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, तो नंबर लाइन के 3 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। अब इनमें से किसी एक टुकड़े में ये इंक्रीज कर रहा होगा और किसी एक टुकड़े में ये डिक्रीज कर रहा होगा, आगे अगर नहीं आगे बताइए, किसी एक टुकड़े में ये डिक्रीज कर रहा होगा, तो चेक करते हैं कौन से वाले में कर रहा है ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी हमको, लिखिए इंटरवल साइन ऑफ
मतलब हमने क्या रिजल्ट फाइंड किया। पहले इस वाले इंटरवल की बात करते हैं, ये वाला इंटरवल माइनस इंफानाइट से माइनस टू, माइनस इंफानाइट से माइनस टू, इसके बीच की कोई भी वैल्यू अपने मन में दिमाग में रख लो, माइनस थ्री माइनस फोर कुछ भी, इसमें एफ एस एक्स में डालना जरा, एफ एस एक्स यानी कि ये, इसमें जब हम डालेंगे नेगेटिव वैल्यू, माइनस थ्री डाल दिया, माइनस थ्री डालेंगे नेगेटिव आएगा, माइनस थ्री डालेंगे नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई जब करेंगे पहले ब्रैकेट में माइनस साइन आएगा, दूसरे ब्रैकेट में माइनस साइन आएगा, कुल मिला के पॉजिटिव साइन आएगा, और जब भी पॉजिटिव साइन आता है तो फंक्शन क्या करता है बोलो बच्चों, इंक्रीज करता है, आगे कि नहीं आगे क्या करेगा बताइए, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अब इधर आइए माइनस टू से लेके माइनस वन, अब इस वाले इंटरवल की बात करते हैं, माइनस टू से लेके माइनस वन, इसकी कोई वैल्यू अपने पास ले लो, माइनस का 1.5 ले लो, चलो अगर मैं माइनस का 1.5 ले लूं तो माइनस का 1.5 लिखने से इस वाले ब्रैकेट में तो नेगेटिव वैल्यू बचेगी, इस वाले में पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, पहले ब्रैकेट में नेगेटिव बचेगी, दूसरे में पॉजिटिव बचेगी, कुल मिला के नेगेटिव वैल्यू आएगी, और जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो फंक्शन कैसा होता है बताइए, डिक्रीजिंग होता है, आ गया कि नहीं आ गया। अब इस वाले पार्ट की बात करते हैं, ये है माइनस वन से लेके इनफाइनाइट तक, माइनस वन से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू अपने मन में मान लीजिए, मान लिया हमने जीरो मान लिया है ना, चलिए जीरो ही मान लेते हैं माइनस वन से आगे, तो यहाँ पर पुट करिए जरा फिर दोबारा से, जब जीरो लिख लेंगे तो ये जीरो प्लस का, ये जीरो प्लस का, दोनों ही वैल्यू प्लस की आएंगी, दोनों ही ब्रैकेट में पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, तो कुल मिला के पॉजिटिव आंसर आएगा, और जब भी पॉजिटिव आंसर आता है तो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है, आगे नहीं आगे। तो फर्स्ट पार्ट जो आपसे पूछा था इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग के लिए कौन सा इंटरवल आया बताइए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यानी कि माइनस इंफानाइट से माइनस टू और माइनस वन से इंफानाइट, सेकेंड वाला पार्ट। डिक्रीजिंग के लिए कौन सा इंटरवल आया बताइए, केवल यही है एक, माइनस टू से लेके माइनस वन तक, आगे कि नहीं आगे बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का एग्जाम वाला पूछेगा आपसे, ठीक है।